जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, रात बारिश होने की वजह से रास्ता भी ख़राब है और ईद की नमाज मस्जिद के अंदर हो रही है। ये हमारे दोस्त भी जा रहे हैं, बिलाल, इकराम, नासिर भाई जा रहे हैं। रास्ता ज़्यादा ख़राब है बारिश की वजह से, तो आपको लेके चलते हैं मस्जिद। 7:30 बजे का टाइम है। ये सामने मस्जिद नज़र आ रही होगी, घर के साथ ही मस्जिद है, तो जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये देखें जी, रास्ते के अंदर गारा बहुत है, इस वजह से ग्राउंड के अंदर नहीं ईद हो सकी। जो ईद है वो मस्जिद के अंदर ही होगी। मस्जिद के पास पहुंचने लगे हैं। हाफ़िज़ साहब के लिए ईद इकट्ठी हो रही है। उमर भाई, वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक सब फैंस को, क्या हाल चाल है? मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं, लाइट ना होने की वजह से जनरेटर चल रहा है। साढ़े सात का टाइम दिया गया था, 10 मिनट बाकी हैं अभी। जगह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, ये एक लाइन बाकी है बस, बाकी तकरीबन जगह फिल हो चुकी है। 10 मिनट रहते हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी। हाफ़िज़ साहब जो हैं वो कुर्बानी के हवाले से बयान कर रहे हैं। बादल अभी भी बादल काफ़ी ज़्यादा हैं, मौसम अबर लगी है। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बाकी कुर्बानी की जो हाल है वो हमें
मस्जिद का हाल भी फुल हो चुका है, उसके बाद बरामदा भी फुल हो चुका है, सहन जो है वो भी तकरीबन अब भर चुका है। अभी 8 मिनट बाकी हैं, 7:30 का टाइम दिया गया था। काफ़ी तादाद में जो हैं लोग आ रहे हैं अभी भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये जो आखिरी लाइन थी ये भी तकरीबन अब फिल हो चुकी है। अभी तकरीबन 6 से 7 मिनट बाकी हैं, लोगों की बड़ी तादाद आ रही है, बाकी जो बंदे हैं वो मेरा ख्याल है मस्जिद की छत पर जाएंगे। ये यहाँ पे छत पे भी जगह होती है, वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि सेन भी फुल हो चुका है, हाल भी फुल हो चुका है। जो लोग आ रहे हैं वो इंतज़ार में आके किस जगह पर बैठे हैं, जो दरमियान के अंदर कोई कोई जगह बाकी है वहाँ पे बैठे हुए हैं। ईद का मौका ही ऐसा होता है, सभी लोग जो नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, जो बाहर काम के सिलसिले में गए हुए होते हैं वो लोग भी घर आए होते हैं, वो भी नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं। बारिश की वजह से जो ग्राउंड है वहाँ पे पानी है, जहाँ पे ईद की नमाज अदा करते थे, तो इसलिए मस्जिद का ऐलान किया गया है, मस्जिद के अंदर होगी। जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है, तो हम बैठे भी जनरेटर के पास ही हैं। जगह तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो फुल हो चुकी है, लोग ऊपर जाना शुरू हो गए। बादल भी काफी आ रहे हैं, बाकी लोग छत पे जा रहे हैं, नीचे जगह फुल हो चुकी है। अब जो बाद में आने वाले लोग हैं वो मस्जिद की छत पे, आप 25 हो चुके हैं, 5 मिनट अभी बाकी हैं। साढ़े सात का टाइम था, तकरीबन 1 मिनट रहता है, टाइम पूरा हो चुका है। जैसे कुर्बानी के आदेश है और जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी दान करवाया और ये निश्चित ईमान भी है, इन चीजों का ख्याल रखना हर मुसलमान का फर्ज है। जहाँ हुकूमत पंजाब ने खड़े बनाए हुए हैं उन घरों के अंदर डाले जाए और इन चीजों से परहेज किया जाए कि गलियों में पड़े रहें, गलियों में बीमारी है, सारी चीजें हैं, तो इन चीजों का ख्याल किया जाए। जैसे कि टाइम दिया गया था 7:30 का, वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह ईद उल अजहा की नमाज टाइम वक्त मुकर्रर पर अदा की जाएगी। तो सब एक टाइम हो चुका है जी, सफ़ेद दुरुस्त करने का ऐलान हो चुका है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ये छत पर भी लोग मौजूद हैं। ये दिए सुन लें, 2 रकात नमाज ईद उल अजहा, और मैं 6 तक भी मौजूद हूँ के पीछे इमाम के अल्लाह।